हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, गोइंग टू स्टार्ट विद 10th लेक्चर ऑन फिजिक्स फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1. इन द प्रीसीडिंग लेक्चर्स वी हैड डिस्कस्ड अप टू कूलम्स लॉ एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक at the end of Coulomb's law. So that is page number 12. Let's move on to page number 12 first. This is 5, this is 6. 6th mein hum logon ne charging by induction padha tha. 7th page pe charging by induction ke example the. Next page pe properties of charges tha. Additivity, conservation and quantization of charge. फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल था. फिर कूलम्स लॉ देखा हम लोगों ने. कूलम्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है और वैक्यूम में फोर्स डिफरेंट होता है, मीडियम बदल देने पे परमिटिविटी फैक्टर की वजह से फोर्स बदल जाता है. तो यहाँ तक हम लोगों ने, ये तीन रिमार्क्स थे पिछले लेक्चर में हमने देखा, और कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखा हम लोगों ने. अब इसके बाद हम लोग ये सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करेंगे. एग्जांपल 1.4, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. देखिए पॉइंट चार्जेस हमेशा लिखा होगा क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है. स्टेटमेंट में ये बात एक्सप्लिसिटली मेंशनड है. एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस. ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों ही केस में यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट मास है. तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पॉइंट मासेस के लिए है, और कूलम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए है. पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज आप जानते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के साइज को, डायमेंशंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं उन्हें हम पॉइंट मासेस या पॉइंट चार्जेस कहते हैं. सो बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और मासेस एज द केस इट इज. तो यहाँ तक कहा जा रहा है प्रश्न में कि कूलम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ है पॉइंट चार्जेस के लिए, और न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बताता है दो पॉइंट मासेस के बीच, ये दोनों ही लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, और दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए जो है, इसके बाद इसमें भी सब पार्ट्स हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंड नंबर टू फॉर टू प्रोटॉन्स. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट केस में आप करेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे, और दूसरे केस में दो प्रोटॉन्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करेंगे रेशियो निकाल के, दोनों ही फोर्सेस का रेशियो निकालेंगे. बी पार्ट क्वेश्चन में क्या है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10^-10 मीटर अपार्ट. तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है प्रोटॉन पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो कुछ गिवन डेटा है, मास ऑफ प्रोटॉन MP ये दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME ये दिया हुआ है KG में, SI यूनिट में. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं.
कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस, स्टेशनरी मीन्स रुके हुए मासेस होंगे, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और मासेस. नंबर वन, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाई डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालना है, ध्यान रहे इस बात को भी बहुत ध्यान से, डायरेक्शन का यहाँ पे रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालें. तो अब शुरू करते हैं. पहला केस है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए का फर्स्ट केस क्या है. इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, एक कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन से निकालें. तो एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे ही चार्ज बराबर होता है ई के, तो ई मल्टीप्लाइड बाई ई ई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम. वेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, यहाँ माइनस देखिए माइनस लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में, इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन का फोर्स होगा. एक का चार्ज प्लस ई होगा, एक का माइनस ई होगा, तो माइनस ई इंटू प्लस ई इज माइनस साइन लेके आएगा. द करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑलवेज हमेशा अट्रैक्टिव होता है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड करता है. तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इज इक्वल टू माइनस जी एम पी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. यहाँ पे भी माइनस साइन सिर्फ अट्रैक्शन को बताने के लिए लिखा गया है. वेयर एम पी एंड एम ई आर द मासेज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, गिवन है ये आपको एम पी और एम ई. तो अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एफ ई अपॉन एफ जी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए मॉड्यूलस का साइन लगाया गया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो ये आएगा, डिवाइड करके आप कॉपी में अपने देख सकते हैं इसको. और अब ई की वैल्यू, सभी चीज़ें गिवन है राइट हैंड साइड में, न्यूमेरिकल वैल्यू ई की पुट कर दीजिए, 1.6 N/-19 कूलम, जी की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, एम पी एम ई ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है, तो अब सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको वैल्यू ये सामने मिलती है. अब आप देखिए कि यदि आप एफ जी के मैग्नीट्यूड को, एफ जी सिम्बल को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि एफ ई इधर बचेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू दिस मच टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ जी. तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने गुना है, इट्स अ ह्यूज नंबर, 2.4 × 10⁻¹⁹. इतने गुना ग्रेविटेशनल फोर्स के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, जो दो चार्जेस यहाँ दिए गए हैं. यहाँ से ये कंपेयर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर, मच मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड पार्ट में आप देखिए दोनों प्रोटॉन्स को लेना है आपको. ऑन द सिमिलर लाइंस द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इज सेम, वही अप्रोच होगा. और अब यहाँ पर मास सारा कुछ सेम रहेगा एक्सप्रेशन में, चार्ज दोनों पे सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज, मास यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था, इस केस में दोनों ही प्रोटॉनिक मास लेंगे आप. तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा इसलिए फोर्स थोड़ा घट जा रहा है, आप देखिए पूरा रेशियो घट जाएगा 1.3 × 10⁻³६. इस केस में एफ जी को इधर ला के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, कई गुना है, 1.3 × 10⁻³६ टाइम्स होगा, बट इट विल बी लेस देन दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर. सो हाउएवर इट मे बी मेंशनड हियर दैट द साइंस ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्सेज का साइन डिफरेंट है दोनों केस में, वहाँ अट्रैक्टिव था यहाँ रिपल्सिव है. फॉर टू प्रोटॉन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड द कूलम फोर्स इज रिपल्सिव, यानी कि कहना चाहते हैं सेकेंड केस में एक फोर्स तो अट्रैक्टिव है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मगर कूलम फोर्स रिपल्सिव था यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन होने की वजह से. फर्स्ट केस में दोनों ही फोर्सेज अट्रैक्टिव थे. द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दीज फोर्सेज बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस
डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज नियरली 10^-15 मीटर इनसाइड एन न्यूक्लियस आर एफ ई नियरली इक्वल टू 230 न्यूटन, ये नियरली इक्वल टू का साइन है, वेयर एज एफ जी इज नियरली इक्वल टू 1.9 × 10^-34 न्यूटन। तो ये कंपेरिजन किया गया है, इस बेस पे आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि एक न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन और उसके ऑर्बिट में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को कंपेयर करें। द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ द टू फोर्सेज शोज दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर एनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक बी पार्ट में हमें एक्सेलरेशन निकालना है प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर शायद है, देख लेते हैं क्वेश्चन में, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए निकालना है। तो यहाँ न्यूटन का सेकेंड लॉ भी अप्लाई करना होगा क्योंकि जब हम फोर्स निकालेंगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कूलम फोर्स पहले निकाला गया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्सर्टेड बाई अ प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ प्रोटॉन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों ही चार्जेज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल सही है। हाउएवर द मासेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिफरेंट, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन डिफर करता है, तो वह फोर्स अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच निकाल लें तो वह तो आसानी से हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, ये फोर्स कैलकुलेट करके निकल गया है, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज गिवन है। मगर फोर्स तो दोनों ही चार्जेस पे सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो यह फोर्स तो दोनों ही केस में सेम मिलेगा, मानते हैं एम पी मास ऑफ प्रोटॉन एंड ए पी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करेगा इस इक्वेशन में, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट आएगी। तो अगर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो इस मास को प्रोटॉन का मास यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उसे इधर लाके डिवाइड करेंगे फोर्स से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा फॉर दिस फोर्स। और अगर यही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है तो इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से इधर ले आके डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और दोनों ही केस में डिनोमिनेटर डिफर कर रहा है और न्यूमरेटर सेम है तो रेशियो दोनों ही केस में डिफरेंट आएगा। और एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि डिनोमिनेटर जिस केस में ज़्यादा होगा उस केस में रेशियो छोटा आएगा, यानी प्रोटॉन के केस में ऐसा होगा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम आएगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। द एक्सेलरेशन दैट एन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो, एक इलेक्ट्रॉन का पहले निकाला गया है एक्सेलरेशन, तो फोर्स यहाँ से ये लिया गया, ये रहा फोर्स एंड डिवाइडेड बाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। इसी प्रकार से प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाला गया तो ये निकल के आया, प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया गया है फोर्स को, आप देख सकते हैं 2.5 × 10^22 यहाँ है, यहाँ 1.4 × 10^19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अ चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, ध्यान दीजिएगा मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टिंग होगा, ये खास बातें हैं जो सवाल में आपको ध्यान देनी चाहिए सवाल पढ़ते वक्त। ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, अनदर नायलॉन थ्रेड मतलब नायलॉन इंसुलेटर है, अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in figure 1.7a। आप देख सकते हैं ये figure है 1.7a, इस figure में एक nylon thread से sphere A जिसका नाम है ये suspended है और दूसरा sphere जिसका नाम B है
इसे एक हैंडल से जो इंसुलेटेड हैंडल है, इंसुलेटेड हैंडल इसलिए कि स्फीयर का चार्ज फ्लो करके ह्यूमन बॉडी तक ना जाए, और इसको इसके पास लाया गया और दूरी रखी गई 10 सेंटीमीटर। दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, और आप देख सकते हैं दोनों ही पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे भी और बी पे भी। और फिगर में जैसा दिख रहा है ए पे ज़्यादा चार्ज है, चार बनाए हुए हैं यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे दो बनाए हुए हैं। आगे डिटेल देखते हैं। टेंस एंड एस वन इन फिगर, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज डिनोटेड फॉर इज नोटेड फॉर एग्जाम्पल बाई शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं कि जो रिपल्सन होगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन रिपल्सन को मेजर करने के लिए, यहाँ दोनों में रिपल्सन होगा, लाइक चार्जेस हैं, रिपल्सन को मेजर करने के लिए एक तरीका यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि कैसे पता चलेगा कि बी ने ए को रिपेल किया। कह रहे हैं कि एक लाइट की बीम ए पे डालते हैं और कहीं मिरर में इसकी इमेज एक ही बन रही होगी, तो जैसे ही बी वाला स्फीयर लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, तो जो इमेज बन रही होगी मिरर के अंदर वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी, इससे पता चल जाएगा कि रिपल्सन हुआ। सो स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर 1.7b। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड। अब पहले कह रहे हैं कि सी और डी दो और स्फीयर्स ले आए गए और दोनों अनचार्ज्ड हैं, सी और डी दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, और कह रहे हैं कि सी स्फीयर को ए से टच कराया गया और डी स्फीयर को बी से टच कराया गया, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है यहाँ, है ना। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर बी। बी फिगर में ऐसा दिखाया गया, आप देख लीजिए, बी में ए को सी से टच कराया गया और बी को डी से टच कराया गया, और दोनों ही स्फीयर्स इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे गए हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टच कराते ही क्या होगा, कुछ चार्ज इस पे से इस पे फ्लो कर जाएगा कॉन्टैक्ट में आते ही, तो और यहाँ पे इस पे से इस पे फ्लो कर जाएगा, मेटालिक स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग है, तो ऐसा ही होगा। और दोनों स्फीयर्स यानी ए और सी अगर आइडेंटिकल हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। पीछे हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा भी था कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Then C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 cm between their centers as shown in the figure 1.7c. कह रहे हैं कि C और D से टच कराने के बाद B को A के और करीब लाया गया और अब दोनों के बीच दूरी कितनी रखी गई? 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई, ऐसा किया जा रहा है, डिस्टेंस को घटा दिया गया। प्रश्न है अब, What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? तो अब Coulomb's law को आधार माने तो अब expected जो force होगा A पे repulsion का वो क्या होगा ये बताना है। Spheres A and C and spheres B and D have identical sizes। देखिए ये last में लिख दिया गया है। Ignore the sizes of A and B in comparison to separation between their centers। ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप पॉइंट चार्जेस इसको सपोज कर सकें, मान सकें, नहीं तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके साइजेस को नेग्लेजिबल माना जा रहा है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स, और आइडेंटिकल माना जा रहा है ताकि चार्जेस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये अजम्पशन आप ले सकें। तो ये पूरी कहानी है इस प्रश्न की। अब आगे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो चार्ज स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, एक सस्पेंडेड चार्ज है, एक को हैंडल से पकड़ के लाया गया है। बी ए और ए के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, ए चूंकि सस्पेंडेड है तो वो कुछ रिपेल होकर दूर जाएगा, ये टाइटली पकड़ा गया ये अपनी जगह पे रहेगा। ए को सी से टच कराया गया तो ए पे जो भी चार्ज था पहले से Q अगर था तो Q बाई टू ट्रांसफर हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ Q बाई टू। इस पर अगर कुछ चार्ज था तो X चार्ज था तो X बाई टू बचेगा, X बाई टू D पे चला जाएगा, दोनों ही के चार्जे आधे आधे हो जाएंगे।
उसके बाद दोनों के सेपरेशन को भी आधा कर दिया गया, 10 से 5 सेंटीमीटर रिड्यूस करके कर दिया गया। अब इस वक्त कितना सेपरेशन, कितना रिपल्सन का फोर्स लग रहा है ए पे बी के द्वारा, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्रश्न है। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होगा, लेट द ओरिजिनल चार्ज ऑन स्फीयर ए बी क्यू, मान लेते हैं ए पे ओरिजिनली चार्ज क्यू था जब 10 सेंटीमीटर की दूरी भी था वो बी से, एंड दैट ऑन बी इज क्यू डैश, और बी पे चार्ज क्यू डैश था। एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देयर सेंटर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज गिवन बाय, देखिए कूलम्स लॉ से अब फोर्स निकाल लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। Now, neglecting the sizes of spheres A and B in comparison to R, ये क्वेश्चन में भी दिया है, R के कंपैरिजन में इन दोनों को पॉइंट चार्ज मानेंगे। When an identical but uncharged sphere C touches A, the charges redistribute on A and C, and bisymmetry, bisymmetry मतलब दोनों identical हैं, एक जैसे हैं, each sphere carries a charge Q by 2, तो ए स्फीयर का q बाई टू चार्ज सी पे चला जाएगा और q बाई टू सिर्फ बच जाएगा, यही बात यहाँ लिखी गई है। सिमिलरली आफ्टर डी टचेज बी, इसी प्रकार से जब डी ने बी को टच किया तो द रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ईच इज q डैश बाई टू, दोनों पे q बाई डैश आ जाएगा, q डैश बाई टू आ जाएगा। नाउ इफ द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज हाफ्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज, अब कह रहे हैं ए और बी के सेपरेशन को आधा कर दिया गया 10 से 5 सेंटीमीटर, तो अब जो नया फोर्स होगा उसके लिए नए चार्जेस दोनों पे ए और बी पे लेने होंगे और नया वाला सेपरेशन रखना होगा कूलम्स लॉ में, यही काम यहाँ किया गया है। 1/4 pi epsilon naught, फोर्स का नाम एफ डैश दे दिए हैं, क्यू बाई टू इंटू क्यू डैश बाई टू डिवाइडेड बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, डिस्टेंस भी आधा हो गया उसका स्क्वायर करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो q बाई टू में का 1/2 1/4 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/4 होगा, कैंसिल कर जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स आप देख सकते हैं उतना ही फोर्स आ रहा है जितना ओरिजिनल फोर्स था, 1/4 pi epsilon naught q q डैश बाई आर स्क्वायर। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिमेन्स अनअल्टर्ड, तो फोर्स दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बदलेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल से यही पता चलता है कि चार्जेस को यदि आधा कर दिया जाए, दोनों चार्जेस को जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए तो फोर्स अनचेंज्ड रहेगा। सो ये लेक्चर यही हम लोग समाप्त करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, थैंक यू।